दोस्तों आज गौरव गौरी विसर्जन है, तो अभी मैं विसर्जन दिखा रहा हूँ हमारे गांव का। गौरव गौरी विसर्जन कैसा टाइप का है और यहाँ पास एक अलग टाइप का रहता है यहाँ देवता वगैरह चढ़ने का, और उसे मतलब जैसे देवता जो चढ़ते हैं उसे मनाने का एक अलग टाइप का टेक्निक है, एक अलग टाइप का होता है यहाँ पास हमारे गाँव में तो। और सभी आस पास के जितना भी गाँव है सभी में वैसा टाइप का होता है, उसको वीडियो दिखा रहा हूँ। तो अंत तक देखते रहो, बने रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो देखते हैं वीडियो को। दोस्तों हर साल की तरह ही इस साल भी हमारे गांव में गौरा चौरा में गौरा और गौरी की स्थापना की गई है। गौरा भगवान शिव का प्रतीक है और गौरी माँ पार्वती का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों यहां पे गौर समाज के द्वारा हर साल यह स्थापना की जाती है और पूरे गांव के सभी समाज के द्वारा यह जो धूमधाम से यह पर्व मनाया जाता है। हर साल की तरह भी इस साल से बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है ये पर्व। यह जो पर्व है वह छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव में देखने को मिलेगा। यह दीपावली जो लक्ष्मी पूजा है उसके बाद दूसरे दिन से स्टार्ट हो जाता है। गौरा गौरी का विसर्जन देखना एक अपने आप में एक अलग ही अनुभूति है दोस्तों। यह देख रहे हो दोस्तों, यह काशी का सोटा है, चाबुक जैसा बना रहता है काशी का, और जिसमें भी देवता आता है उन सभी को ऐसे देख रहे हो दोस्तों हाथ ऊपर करते हैं, फिर उसके बाद उसे मारा जाता है और जितना भी जोर से मारा जाए उसको पता नहीं चलता है। और ऐसा टाइप का बहुत ही लोग हैं जो आते हैं, और कुछ लोग जो अपने शारीरिक कष्टों के निवारण के लिए भी आ करके इसमें सोटा से मार खाते हैं दोस्त। और जैसे देवता आने के बाद ऐसे नीचे गिर जाता है तो उसका नशे अकड़ना चालू हो जाता है, तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है इनके जो सभी हाथ पैर को मोड़ना पड़ता है और जो हाथ की मुट्ठी है उसे खोलना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए बहुत ही मशक्क़त भरा काम रहता है और ये बहुत ज़रूरी भी है दोस्तों। इसके बाद ही देवता शांत हो जाता है और जो पूरा शरीर है नॉर्मल हो जाता है, नहीं तो अकड़ने लग जाता है। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गांव में यह दीपावली के टाइम मनाने जाने वाला यह जो पर्व है यह गौर समाज के द्वारा मनाया जाता है, समाज के द्वारा मिलजुल कर पूरे गांव की तरफ से मनाया जाता है दोस्तों। यह जो पर्व बहुत ही एक आश्चर्यजनक भी माना जा सकता है, क्योंकि इसकी जो देख रहे हो जितना भी विधि विधान है अलग प्रकार का होता है। और अभी जा रहा है शीतला तालाब की तरफ ठंडा होने के लिए, विसर्जन होने के लिए।
अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे गांव के शीतला तालाब पे, जहां पर गौरा गौरी का विसर्जन होने वाला है। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है मेरे लिए, क्योंकि आज गौड़ समाज के द्वारा मुझे गौरा विसर्जन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं उन सभी का ऋणी रहूंगा और अभी मैं जाऊंगा गौरा विसर्जन करने के लिए। तो इससे पहले मुझे हमारे गांव की शीतला तालाब में स्नान करना पड़ेगा। मेरे साथ एक छोटू और है, उन्हीं के साथ मिल करके हम दोनों गौरा और गौरी का विसर्जन करेंगे। एक नंबर सोनू, तो वीडियो अच्छा बने, विकट गड्ढा चल दे यार, चल रखो जगह।